हाय, सो वी आर रीडिंग दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके जो पहले चार पार्ट हैं, इसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा। 24 जुलाई 1789 से ये स्टार्ट हुई। बेस्टाइल का इन्होंने डिमोलिश कर दिया बेस्टाइल को। देन ये फ्रेंच सोसाइटी थी लेट 18th सेंचुरी में। ये फर्स्ट एस्टेट था, सेकेंड एस्टेट था और ये थर्ड एस्टेट था। क्लर्जी, नोबिलिटी और ये बिग बिजनेसमैन एंड ऑल, तो इनको हक नहीं मिल रहे थे, इक्वालिटी नहीं थी। तो ये पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन बस इसी पे बेस्ड है। देन इन्होंने क्या किया, स्ट्रगल टू सर्वाइव था, सब्सिस्टेंस था इन्हें। देन मिडिल क्लास थी वो काफ़ी परेशान हो गई। फिर जो थिंकर्स थे जैसे जीन जैक रोसेसू, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, रोसेसू ने स्पिरिट ऑफ लॉ लेके आए, मॉन्टेस्क्यू क्यू आए। देन इसने पूरे फंडामेंटल्स और पिलर्स और डायरेक्शन दिया वर्ल्ड ऑर्डर को, जो आज हम 21st सेंचुरी में भी देख रहे हैं। फिर सेकेंड वीडियो में हमने देखा आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। फ्रांस ओल्ड रिजिम था, एस्टेट जनरल इन्होंने कॉल किया। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे 1815 तक। इसको हम देखेंगे नेपोलियन जब वाटरलू में डिफीट होगा। तो अभी हमने यहाँ तक देखा था दिस डायरेक्टरी रूल फ्रांस 1792-93। अब हम आगे देखेंगे नेपोलियन कैसे आया। बीच में इस चैप्टर में विल सी कि जो ट्रेड, स्लेव एंड ऑल था उधर भी क्या हुआ। ओके, ये फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन तीनों को अलग करो, सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेचर मतलब ये कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव मतलब ये कानून का पालन करेंगे, और जुडिशरी चेक करेगा कि ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल चल रहा है या नहीं चल रहा है। देन ये आया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। दिस इज रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स। एंड देन हमने पढ़ा फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। इसके बाद हमने देखा इवेंट्स कैसे आगे प्रोग्रेस हुई। ये डायरेक्टरी का रूल आ गया फ्रांस में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, बिकॉज अभी भी वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिला है। देन दिस काफ़ी इन्होंने वर्क किया, ओलाम डू गूस, एंड देन इन्होंने ये डिक्लेरेशन वुमेन का यहाँ पे आया। तो फाइनली 1946 में वुमेन को राइट टू वोट मिलेगा फ्रांस में। अब हम देखते हैं स्लेवरी। स्लेवरी एक बहुत बड़ा काला दाग है ह्यूमन हिस्ट्री में, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। सी, वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स जो थे जैकोबिन रेजिम का, वो था इन्होंने अबॉलिशन कर दिया स्लेवरी को। ये जो गुलाम बनाने की प्रवृत्ति थी, ये अफ्रीका से गुलाम लेते थे और उनसे काम करवाते थे फ्रेंच की कॉलोनीज में। कॉलोनीज मतलब ये तो मेनलैंड फ्रांस है, फ्रांस अलग अलग जगह इनकी टेरिटरी बना रखी है, कॉलोनी बना रखी है इन्होंने ट्रेड पोस्ट, तो वहाँ पर इनसे ये वर्कआउट करवा रहे थे। द कॉलोनीज जैसे कि कैरेबियन, वेस्ट इंडीज़, मार्टिनक, दिस ग्वाडेलोप एंड दिस इज सैन डोमिंगो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सप्लायर कॉमोडिटी थे। तो सी, जैसे इंडिया भी एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, फ्रांस भी इवन इंडिया में थे जब ब्रिटिशर्स ने इन्हें डिफीट किया, अंटिल देन ये इंडिया में काफी प्रेजेंस थी इनकी। सो कमोडिटी जो थी, रॉ मटेरियल, वो इस कॉलोनी से आया करती थी, और इन कॉलोनी में ये प्रोसेस्ड गुड सेंड करते थे। टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, ये क्या है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ये कॉलोनीज में ये ग्रो करते थे। बट जो यूरोपियन थे वो इस जगह जाना वर्क पसंद नहीं करते थे, डिस्टेंट लोकेशन में क्यों जाएंगे वो, कैरेबियन एंड ऑल। सो अनफेमिलियर लैंड मीन शॉर्टेज ऑफ लेबर, तो काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं प्लांटेशन में। सो दैट इज़ वाई दे मेट दिस ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड। यूरोप से शिप आती थी, अफ्रीका में जाती थी, घाना एंड ऑल, जिसको स्लेव कोस्ट भी बोलते हैं, वहाँ से ये शिप लेके जाते थे अमेरिका में इन स्लेव्स को, और बहुत इनह्यूमन कंडीशन में लेके जाते थे। काफ़ी लोग पहुंच भी नहीं पाते थे, उनको सी में फेंक दिया जाता था। यहाँ पे उनको कैरेबियन, वेस्ट इंडीज एंड ऑल में इनसे वर्क कराते थे। तो सी, ये यूरोप है, यूरोप से स्टार्ट हुआ, ये अफ्रीका का ये वाला कोस्ट है, ये स्लेव कोस्ट है, यहाँ से इन्होंने इसको स्लेव्स को लिया, और देन ये जो अमेरिका जो ये आ रहा है वेस्ट इंडीज एंड ऑल, यहाँ पे इन स्लेव्स को पहुँचा दिया जाता था, और यहाँ से रॉ मटेरियल फिर वापस यूरोप में आ जाता था। तो ये एज ए ट्राइंगुलर बन गया। द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ दिस बॉर्डो। एक्स साइलेंट होता है इसमें, फ्रेंच इज़ फनी, इवन इंग्लिश इज़ ऑल्सो फनी। हिंदी सबसे अच्छी भाषा है, हिंदी में जो हम लिखते हैं ना वही हम बोलते हैं। दिस नांटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफटेन। अब ये ब्रांडेड एंड शेकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इन टू द शिप। शिप में इनको ऐसे बहुत इनह्यूमन कंडीशन में रखा जाता था फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयज। जो लंबी जर्नी होती है उसको वॉयज बोलते हैं, अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट, जैसे शुगर, कॉफी, इंडिगो। पोर्ट सिटीज दिस बॉर्डो एंड नांटेज ओड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इस स्लेव ट्रेड के कारण। ये ऐसे लेके जाते थे, स्लेव का ट्रेड करते थे ये।
देन थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी, इसका क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा था. नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज. ऐसा करें या नहीं करें, बिकॉज राइट टू इक्वालिटी हम अपने होमलैंड पे दे रहे हैं, तो जो कॉलोनी है वहाँ पे भी तो राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए. हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट में, और दूसरी जगह हम ये स्लेव्स को इतना इनह्यूमन ट्रीटमेंट दे रहे हैं. तो दिस गोज अगेंस्ट अवर फाइट फॉर दिस इक्वालिटी. तो वहाँ की एक सोसाइटी थी वो इसको क्रिटिसाइज करती थी. जैसे ब्रिटिशर्स भी थे, ब्रिटिशर्स में भी एक तरफ तो वो इंडिपेंडेंट सोवेरन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अपने घर पे ऐसा करते थे, और इंडियंस को उन्होंने कॉलोनाइज कर रखा था, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दे रहे थे. सो ये डबल स्टैंडर्ड इधर फ्रांस में भी थे, बट फ्रेंच सब्जेक्ट्स ने इसको बोला कि ये एक्सटेंड करिए राइट टू इक्वालिटी. बट ऐसा नहीं हो रहा था. क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, उनको लॉस होता, हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन दिस स्लेव ट्रेड, तो वो इसको इग्नोर करते आए. इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन 1794 में लेजिस्लेट किया, कानून बनाया टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजिशन. आज भी फ्रेंच में आप देखना काफ़ी अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इनका ओवरसीज पोजिशन है. जो फ्रेंच है इसका ओवरसीज पोजिशन काफ़ी वाइड स्प्रेड है. जैसे स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं ना आप, फ्रांस का देखो, फ्रांस में कितने सारे इन्होंने जोन्स हैं, इनका स्टैंडर्ड टाइम देखना, बिकॉज इनकी जो टेरिटोरी है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे स्प्रेड है. आंसर दिस क्वेश्चन कि इनका जो स्टैंडर्ड टाइम जो है ये जोन्स कितने जोन्स में है इनका फ्रांस की टेरिटोरी एंड ऑल में. सो दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर्स लेटर. स्टैंडर्ड टाइम मतलब जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, ये लैटिट्यूड होते हैं, ये लॉन्जिट्यूड होते हैं, हमने एनसीईआरटी चैप्टर 1 में देखा था. तो जो लॉन्जिट्यूड होते हैं 0 डिग्री के, अगर ईस्ट में जाते हैं तो हम टाइम गेन करते हैं, और इधर जाते हैं तो टाइम लूज़ करते हैं. हर डिग्री पे अराउंड 4 मिनट का टाइम चेंज होता है. तो सी, इसके कारण टाइम जोन्स अलग अलग हैं इस फ्रांस के, बिकॉज बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरी है. इसका आप आंसर करिए. नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस किया स्लेवरी. प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज. इनके साथ बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज हुआ है इन पर्सूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. स्लेवरी फाइनली अबॉलिश हुई 1848 में. तो 94 में इंट्रोड्यूस हुआ, नेपोलियन ने उसको स्क्वाश कर दिया, फिर फाइनली 1848 में वापस ये हटा. ये इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव है. नीग्रोज क्या है? टर्म यूज फॉर द इंडिजीनस पीपल ऑफ अफ्रीकन साउथ ऑफ द सहारा. एक ये कोस्ट ही बन गई है, इसका नाम ही स्लेव कोस्ट है. जैसे गोल्ड कोस्ट, घाना कोस्ट है ना, इधर एक स्लेव कोस्ट है. इसको आप मैप में देखिए, अभी अफ्रीका के मैप में. इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर. ये काफ़ी डेरोगेटरी है. अपन नेल्सन मंडेला साहब को भी देखा था ना, उन्होंने यही तो राइट था उनका कि ये जो ब्लैक और वाइट का रेसिज्म चलता है इसको स्टॉप करें. देन इमेंसिपेशन द एक्ट ऑफ फ्रीइंग. देन ये 1794 डिस्क्राइब्स इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव. ट्राइंगुलर बैनर है, द राइट्स ऑफ मैन, द फ्रीडम ऑफ अनफ्री फ्रेंच वुमेन सिविलाइज अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लोथ्स टू वेयर. सो ये इस टाइप से अभी यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हो रहा था. अब अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी में अब हम आ गए, 1794 भी हो गया, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी हो गया. अब नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, इसमें हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्टे आते हैं एंड रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.